हेलो आप सभी को। सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन का 340 पिक्सल में कर ले, ठीक है, 340p में, तभी ये सूचना आपको साफ साफ दिखेगी, अन्यथा नहीं दिखेगी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला घंटा दबा लीजिएगा। मैं जॉब के सिलसिले, करंट अफेयर्स और यहाँ वहाँ विजिटर के टूरिस्ट प्लेस को ब्लॉग बनाता हूँ, ठीक है। और इस सिलसिले में भी आने वाला दिन में अपडेट कर दूंगा। तो चलिए आज का सूचना शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं, कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति लातेहार, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति लातेहार के अधीन अनुबंध आधारित चिकित्सा पदाधिकारियों, ठीक है, ये दिया हुआ है। प्रखंड एंड प्रखंड पारा कर्मियों जिला स्तरीय पदों की स्वीकृति। तो चलिए देर ना करते हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, देख सकते हैं, जो भी भरेंगे ये लिफाफा में भरना जरूरी है, ठीक है। विज्ञापन संख्या 03/2019, ये ठीक है, लातेहार, ये सब जो ब्रैकेट में लिखा है वो सब लिखना है, ठीक है। और आवेदन की अंतिम तिथि देख सकते हैं 18/9/2019 है। तो चलिए आगे की ओर देख रहे हैं, अब चलते हैं पद का नाम देख रहे हैं। देख सकते हैं पद ANM आपका सामान्य के लिए है 20, और अनुसूचित जनजाति के लिए 8, और अनुसूचित जाति के लिए है 26, उसमें से कुल रिक्त है आपका 54, ठीक है। स्टाफ नर्स देख सकते हैं सामान्य के लिए 15 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, और अनुसूचित जाति के लिए 6, कुल रिक्त 25। तो इसी तरह देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रो MIS ऑपरेटर कम स्ट्रोक कीपर, ठीक है, पद का नाम है। ये सब देख सकते हैं, अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो आप रोक के देख लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं नोटिस की ओर। तो चलिए चलिए आप देखते आए हैं आयु सीमा, ठीक है। तो देख सकते हैं आयु सीमा के निर्धारण कट ऑफ डेट 31 अगस्त 2019 से कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प 6/9/609 दिनांक 25/1/2016 के आलोक में निम्नवत गणना की जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं कट ऑफ डेट आपका 31 अगस्त 2019 तक होगा, ठीक है। तो सामान्य के लिए आपका देख सकते हैं न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। महिला सामान्य के लिए देख सकते हैं 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 38 वर्ष। इधर दिया हुआ देख सकते हैं दिव्यांग गंजनों के लिए, ठीक है, वो अधिकतम 40 वर्ष, 43 वर्ष, 45 वर्ष। अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 18 और अधिकतम 40, फिर वही दिव्यांग गंजनों में 45। अब चलते हैं चिकित्सा पदाधिकारी एवं विशेष चिकित्सा पदाधिकारियों के पदों के लिए आयु सीमा देख सकते हैं, ये सभी कोटि के लिए है। उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कम से कम 21 साल और अधिकतम 67 साल। जो चिकित्सा पदाधिकारी, ठीक है, एवं विशेष चिकित्सा के लिए, ठीक है, उनके लिए ये। तो चलते हैं आगे की ओर, आप देखते हैं लातेहार जिला के लिए निर्धारण आरक्षण रोस्टर के अनुसार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदक को आरक्षित श्रेणी में नहीं रखे जाने के स्थिति में ये सामान्य कोटि के अंतर्गत माने जाएंगे, ठीक है। तो जो पिछड़ा वर्ग से हैं वो क्या बोलते हैं, वो सामान्य वर्ग में माने जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आवेदन का शुल्क कितना लगेगा, चलिए देखते हैं। 400 लगेगा आपका सामान्य का, ये सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, 400, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200। और इसको भेजना कैसे है, तो देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आवेदन पत्र जो भेजेंगे उसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेजना है, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट कहाँ पे, ये कैसे, किनको भेजना है, लिख के देख सकते हैं सिविल सर्जन लातेहार के, ठीक है, लातेहार को भेजना है। एवं भुगतान शाखा लातेहार होगा, ठीक है। एक से अधिक पदों के लिए आवेदक उनको अलग अलग आवेदन पत्र संलग्न करना होगा। आप एक से ज़्यादा पद ये पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग आवेदन पत्र संलग्न करना होगा। जैसे चार चार करना चाहते हैं तो चार के
के लिए अलग अलग ये लिफाफा भेजना होगा, ठीक है। एवं आवेदन शुल्क भी प्रत्येक पद के लिए अलग अलग, और आवेदन भी आपको चार भेज रहे हैं तो चार पद के लिए भेज रहे हैं तो चार ये चारों के लिए अलग अलग 400 देना होगा, अगर आप सामान्य और ये पिछड़ा वर्ग बिलोंग करते तो। अनुसूचित जनजाति वाले भी इसी तरह करना होगा, भर सकते हैं, ठीक है। तो चयन की शर्त देख सकते हैं, नियुक्ति होने पहला नंबर में 4-1 में देख सकते हैं, नियुक्ति होने वाले कर्मियों का नियोजन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। बल्कि तो दूसरा नंबर पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, अगर अनुबंध 1 वर्ष के लिए अनुमान होगी, ठीक है, आवश्यकता अनुसार इसे 1 साल में एनुअल परफॉर्मेंस पार्शियल के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी। आपका 1 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहता है उसके अनुसार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर देख सकते हैं, कार्य संतोषप्रद नहीं रहने पर 1 माह की नोटिस, 1 माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। तो देख सकते हैं ये नौकरी बहुत ही खतरनाक है, तो समझ लीजिएगा। अब चौथा नंबर में बहुत ही ज़रूरी बात है, जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत करेंगे वे मार्कशीट के साथ CGPA रूमांतरण चार्ट कन्वर्सेशन चार्ट भी संलग्न करेंगे, ठीक है। जिनका CGPA रहता है बहुत किसी का CBSE से या फिर मार्क्स वगैरह में जिसका इसका CGPA रहता है उनको पत्र संलग्न करना जरूरी है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप पाँचवें नंबर पर देख सकते हैं, आवेदक को अपने आवेदन के साथ सभी प्रमाण पत्रों के 100 अभी प्रमाणित छाया प्रति 2 अतिरिक्त, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो सहित संलग्न करना होगा। तो साफ साफ लिखा है कि सबका जेरोक्स जिसका इसका जमा करेंगे, ठीक है, और 2 पासपोर्ट साइज, एक चिपकाने के अलावा 2 पासपोर्ट साइज संलग्न करना होगा, ठीक है, ये लिफाफा में। देख सकते हैं आरक्षण का लाभ हेतु सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति आवश्यक प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन निर्गत होंगे संलग्न करना होगा, ठीक है। जो ऑनलाइन से निकालते हैं जाति आवश्यक उसको देना दे सकते हैं अगर आप आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आप, तो देख सकते हैं अगर जहां आपको लगे कि हमको देखना चाहिए रोक के तो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अब चलिए आगे की ओर देख रहे हैं, ये उतना कुछ खास नहीं है, आपको लगे तो रोक के देख लीजिएगा, मुझे जो जरूरी लग रहा है बताना वो बता दे रहा, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया पाँचवा नंबर पर, तो देख सकते हैं लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा जाँच काउंसिलिंग साक्षात्कार जो लागू है, ठीक है। आप देख सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग के सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों से संबद्ध निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। सरकारी कार्यालयों संस्थानों से जो अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र देना चाहते हैं तो सरकारी कार्यालयों का, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के सरकारी कार्यालयों का, ठीक है। तो चलते आए हैं तीसरा की ओर, अंतिम रूप से तैयार की गई चयन प्रतीक्षा सिविल सर्जन कार्यालय उप विकास आयुक्त का कार्यालय एवं उपयुक्त के कार्यालय सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। तो वही जो सूचना से है ना, तो आप उसके लिए मेरे ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला घंटा दबा के ऑल दबा लीजिएगा, तभी मैं आपको अपडेट दे पाऊँगा, ठीक है, मतलब मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुँच पाएगा। तो देखिए छठा नंबर पे आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु पत्राचार का पता, ठीक है, तो इसी पते पे आपको भेजना है। आज सैनिक सेल चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार सदर अस्पताल परिसर लातेहार झारखंड पिन नंबर इतना, ठीक है। अब आवेदक को क्या क्या लिखना है लिफाफे के ऊपर, तो चलिए देखते हैं। आवेदक सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपयुक्त पते पर प्रेषित कर सकते हैं। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित करने या फिर जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप मान लें जहाँ से भी भेज रहे हैं तो इस अगर असैनिक शल्य चिकित्सक पर नहीं भेजिएगा तो अगर ये देख सकते हैं सदर अस्पताल परिसर कहीं और भेज दिए तो आपका 400 भी गया और
आपका वहाँ पे सही ये इस जगह पे पहुँचेगा भी नहीं, अगर दूसरे जगह पे दूसरे एड्रेस पे भेजते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, ठीक है, जो बताए थे ऊपर में वो विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद नाम, जिस पद पे आवेदन करना चाहते हो उस पद का नाम लिखना है ऊपर, ठीक है, लिफाफे के ऊपर, और विज्ञापन संख्या, और साथ में पोस्ट कोड, कौन सा पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, मतलब कौन सा पद के लिए, तो उसका पोस्ट कोड है। तो चलिए दिखाते हैं, ठीक है, पोस्ट कोड क्या होता है। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे सातवां नंबर पे देख सकते हैं, SI नंबर मतलब सीरियल नंबर, पोजीशन से लिखा है, ये पद लिखा है, ठीक है। अब पोस्ट कोड ये हुआ, ये NM01, सबका अलग अलग है, ठीक है, SN02, वो लिफाफे के ऊपर लिखना है, ठीक है। अब तो देख सकते हैं पोजीशन ये सब है सबके लिए, आपको देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको जो भी जिसके लिए भी भरना है तो आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये देख सकते हैं, और उसका सैलरी भी दिया हुआ सबका अलग अलग। जैसे पहला एक बार बता दे रहा हूँ, सीरियल नंबर 1, पोजीशंस ANM, पोस्ट कोड ANM01, तो इसके लिए देखिए इसेंशियल डिजायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब योग्यता और एक्सपीरियंस, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए देख सकते हैं, 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड हैव कंप्लीटेड ANM कोर्स, मतलब 12th क्लास होना चाहिए, और साथ में ANM का कोर्स कहाँ से, तो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय INC, गवर्नमेंट का होना चाहिए और मान्यता INC का, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। और इसका ये सैलरी है, ये ANM का पर मंथ कितना है, 10,395। तो देख लीजिएगा आप अपना, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा ये कर रहा हूँ, आप रोक के देख सकते हैं, ठीक है। फिर से आप मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो देख लीजिए, रोक के देख लीजिएगा, ठीक है, आप अपना जो भी मतलब धीरे धीरे पार कर रहा हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला घंटा ज़रूर दबाइएगा, अगर आने वाला दिन में आपको कुछ अपडेट चाहिए तो, ठीक है, और साथ में ऑल ऑल भी दबा लीजिएगा। तो देख सकते हैं सबका अलग अलग सैलरी वगैरह सब कुछ कोड, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। ये बड़े बड़े पोस्ट हैं, 63,000, 1,05,000 महीना इन लोग का। तो देख सकते हैं आवेदन की, देख सकते हैं आवेदन संप्रेरित करने की अंतिम तिथि 18/9/2019, फिर लिखित परीक्षा स्किल टेस्ट हेतु प्रवेश पत्र निर्गत प्राप्त करने की संभवतः तिथि 28/9/2019 से 3/10/2019 तक, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो आपका एडमिट कार्ड जो बोलते हैं 28/9/2019 से 3/10/2019 तक, ठीक है, उसके बाद लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट की संभावित तिथि 4/10/2019 को है, ठीक है। तो देख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए आप दिखाते हैं आपको फॉर्म कैसा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये फॉर्म रहा, आपको फॉर्म आपको ये लातेहार का साइट पे मिल जाएगा, ठीक है, अगर नहीं मिले तो मुझे आप अपना क्या बोलते हैं ईमेल दीजिएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है, कमेंट करके आप अपना ईमेल ज़रूर दीजिएगा तो मैं आपको दे सकता हूँ PDF। ये और मैं इस साइट आपको मैं ये दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए आज का इतना ही।